हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी पार्टियों का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी वार पलटवार की कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का गठबंधन को लेकर बयान सामने आया है। फतेहाबाद और भिवानी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व राज्यसभा सदस्य बोले कि भाजपा खुद अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। आखिर इस साल में मनोहर लाल को सीएम पद से हटाया है, हमें नहीं पता जजपा किस पार्टी से गठबंधन कर रही है। दुष्यंत चौटाला गठबंधन को लेकर भ्रम ना फैलाएं। जजपा के साथ गठबंधन को लेकर कोई भी बातचीत चल रही है, यह बातें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर संदीप पाठक ने वीरवार को कही। गौरतलब है कि फतेहाबाद में सिरसा और हिसार के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी मौजूद रहे। ये पता नहीं ये कौन फैला रहा है, जो फैला रहे हैं उनसे ही पूछिए, बाकी ये सब ऐसी अफवाह है। दुष्यंत चौटाला सर इशारों में कहा है कि आम आदमी पार्टी का जेजेपी से जो है गठबंधन हो सकता है। यार अब जो ये इशारा दे रहे हैं उनसे ही पूछो, हमें तो आइडिया नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई आइडिया नहीं है। और ये मुझे लगता है मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, जो ये फैला रहे हैं उनसे ही पूछो। सर एक सवाल और बड़ा उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो सीएम का चेहरा कौन होगा, कब तक नाम उजागर होगा? वो तो आप पहले जीत दिलाइए, वो तय हो जाएगा। और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। धन्यवाद।